हेलो एवरीवन, वंदूस फूड टेबल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम व्रत की स्पेशल रेसिपी बनाएंगे, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई तैयारी की जरूरत नहीं होगी और आप इसे झटपट बना सकेंगे। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप साबूदाना ले लिया है और इसे एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। यहाँ पर हमें साबूदाना भिगोने या धोने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल लेते हैं और इसका एक पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा साबूदाने का पाउडर तैयार है। इसका टेक्सचर एकदम सूजी के जैसा है। इस पाउडर को हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं और सेम मिक्सी जार में एक मीडियम साइज़ के आलू को, जिसे मैंने छील कर रखा था, इसे छोटे टुकड़ों में काटते हुए मिक्सी जार में डाल देते हैं। 3 हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा, 3 से 4 काली मिर्च डालकर इसका एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तैयार पेस्ट को हम साबूदाने के पाउडर में डाल देते हैं। अब मिक्सी जार में 1/4 कप पानी डालकर इसे भी हम साबूदाने के पाउडर में डाल देते हैं। इसे हम चम्मच से अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि यहाँ साबूदाना हमने पहले से भिगोया नहीं था तो ये पानी अच्छे से सोक कर लेता है। अब इसमें कटी हुई हरी धनिया, 1/4 कप मूंगफली का पाउडर और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देते हैं और इसे हाथों से मिक्स करते हैं। यहाँ पर साबूदाना ड्राई लग रहा था तो इसमें मैंने 1/4 कप पानी और इस्तेमाल किया है। इसे अब हम ढक कर 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाकर देखते हैं। साबूदाना हमारा ड्राई हो चुका है। हम इसमें 1/4 कप पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पर हमारे साबूदाने का टेक्सचर अब इस प्रकार से हो चुका है और मुझे आधा कप साबूदाना के लिए लगभग 3/4 कप पानी लगा है। अब साबूदाना के डो से हम थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए मनचाहे शेप्स के कटलेट बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप के कटलेट बनाए हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, जैसे कि साबूदाना भिगोना, आलू उबालना, और ये कटलेट बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म होने रखते हैं और तेल के अच्छे गर्म हो जाने पर हम इसमें एक एक करके सभी कटलेट डाल देते हैं। कटलेट्स को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये बाहर से तो जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहते हैं। एक बैच को फ्राई करने में 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है। अब हम इसे अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। कटलेट की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो यहाँ हमारे कटलेट अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसे मैंने यहाँ ग्रीन चटनी और तली हुई हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। तो इस बार व्रत में ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई रेसिपी।